असलम गाइस के साथ तो उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज जो है मैं जल्दी उठ चुकी हूँ कि मुझे करनी थी इवेंट की कल, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैं जल्दी आकर जल्दी सो गई थी, 7 बजे सो गई थी, जो 6 बजे मुझे इतना टाइम याद नहीं है तो सो गई थी। तो अभी जो है मैं उठी हूँ ताकि मैं इवेंट कर सकूँ, और मैं पूरे 11-12 घंटे सोई हूँ। तो हार्ड छोड़ो इन सब चीज़ों को, अभी हमने पढ़ रही हूँ मैं अभी, तो फिर बाद में हम करेंगे यूनिफॉर्म चेंज। और जब हम यूनिफॉर्म चेंज करेंगे फिर आप लोगों से बातचीत करेंगे। जब हम यूनिफॉर्म चेंज करेंगे फिर आप लोगों से बातचीत भी करेंगे, फिर उसके बाद साइश उसके साथ होती है ना वो, और शुरू वगैरह मतलब ना मैं पढ़ूंगी, फिर उसके बाद मैं हाथ धोया हुआ बस ब्रश करना है, ब्रश करूंगी। एंड सेकेंड हमारा वर्क है हमें यूनिफॉर्म चेंज करना है, फिर आप लोगों से मिलना है। तो देखते रहना ये वीडियो, और इस वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, एंड शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, प्लीज़ प्लीज कर दो ना। आई थिंक मैं वीडियो बनाती हूँ और आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ कर दो कर दो कर दो कर दो। मैंने यूनिफॉर्म जो है पहले साथ में सैश भी, तो अभी हम जाएंगे फुल रेडी होंगे फिर आप लोगों से मिलेंगे। ओके अभी हो चुकी है मैं फुल रेडी, और मैं स्टूडेंट कार्ड भी डाली है, बाल भी बना लिए हमने, शूज़ भी मैंने डाली है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हमारे शूज और ये हम हैं, और अभी हमने बॉर्डर भरनी है, तो चलो चलते हैं और पैडल भरते हैं। ये हमारी बॉर्डर, अभी जो है थोड़ा सा वॉश करेंगे और फिर हम इसे भर देंगे। आ गई हूँ कलर के पास, अभी जो है हम इस बॉर्डर को भरेंगे। अब मैंने जाके सही किया, वरना पिछली बार क्या हुआ था आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी। तो इसको बंद, लॉक भी लगा देते हैं। इट्स डन, अभी मैं जाने लगी हूँ स्कूल, आप लोग करते हैं बाय। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी मिलाद की अच्छी बातें। 12 रविवल जब होता है तो इस महीने बहुत सारे लोग जो हैं मिलाद करवाते हैं, हम भी करवाते हैं, हमारे फूफा वाले भी करवाते हैं। तो मिलाद जो है हमें करवाना चाहिए, क्योंकि इससे बरकत नाजिल होती है हमारे घर में, और अल्लाह का जिक्र करने से दिल को सुकून होता है। हमें वैसे अल्लाह का जिक्र तो हर वक्त ही करना चाहिए। तो फिर ये सब कुछ देखकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हम मिलाद करवा रहे हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं एंड एवरीथिंग। तो हमें मिलाद करना चाहिए, और मैंने ना ये भी देखा है कि कुछ लोग खाना ज़ाया करते हैं जब हम मिलाद में किसी को बुलाते हैं, तो वो खाना ज़ाया कर देते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, खाना मत ज़ाया करें, क्या करें कि जो गरीब होते हैं उन्हें खाना नसीब नहीं होता, और हम लोग जो हैं खाना ज़ाया करते रहते हैं। तो हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, हमें खाना ज़ाया नहीं करना चाहिए, और अगर हम खाना ज़ाया करेंगे तो अल्लाह ताला भी नाराज़ होंगे और गरीबों, और फिर अगर हम खाना ज़ाया करेंगे भी तो फिर नुकसान होगा, कि जब खाना ज़ाया होता है तो अल्लाह ताला भी नाराज़ होते हैं, और खाना ज़ाया करने से हमें खुशी भी नहीं मिलती है, और गरीबों को खाना नसीब नहीं होता, और आप लोग जो हैं और हम लोग जो हैं खाना ज़ाया कर देते हैं। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगी, जब आप मिलाद में जाएं
तो उतना खाना लें जितना आपसे खाया जाए, वरना आप ना लें। और हमने कल देखा था कि कितने ज़्यादा लोगों ने, जैसे हलीम है, चावल है, कितने ज़्यादा लोगों ने जो है ज़ाया किए हैं। और फिर वही जो है हमें वैसे तकसीम किए थे, लेकिन कुछ लोगों ने तो ज़ाया ही कर दिए, और जिन लोगों को नहीं मिले उन्हें नसीब ही नहीं हुआ जो आए हुए थे। और भी मेहमान आए हुए थे, लेकिन उन्हें वो खाना नसीब नहीं हुआ जो ज़ाया हुआ था। अब चावल बहुत ज़्यादा ज़ाया हुए थे, और वो कुछ लोगों को नसीब में, कुछ लोगों को जो है मिले नहीं। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग खाना ज़ाया मत किया करें। और बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और हमें मिलाद का एहतराम करना चाहिए, बारह रवि का, हर चीज़ का एहतराम करना चाहिए, अल्लाह का एहतराम करना चाहिए। और आपको एक और बात बताती हूँ, 12 अप्रैल को जो कुरान पाक पढ़ता है उसे भी सवाब मिलता है, और जो दुरूद शरीफ पढ़ता है वो उसे भी। जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो एक फरिश्ता आता है जो हमारे पास आके खड़ा हो जाता है एक किताब लेकर और एक पेंसिल लेकर। और जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है वो उसका नाम लिख देता है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाता है और उन्हें बताता है कि इसने तेरे ऊपर दुरूद पढ़ा है। तो आप लोगों को दुरूद भी पढ़ना चाहिए, कुरान पाक भी पढ़ना चाहिए, इससे आप लोगों को सवाब मिलेगा और घर में बरकत आएगी और बहुत कुछ। और आप लोगों की दुआएं भी कबूल होंगी अगर आप लोग मिलाद करवाओगे 12 रबीउल अव्वल। आप जो दुआ मांगोगे अल्लाह वो कबूल करेगा। और हमें सच्ची दिल से ही दुआ करनी चाहिए, ये नहीं कि बस आप लोगों के पेपर हो रहे हैं या ना मियाँ बस पेपर अच्छे हो रहे हैं, और फिर जैसे ही पेपर में अच्छे नंबर आए तो आप लोग अल्लाह से दुआ मांगना छोड़ दें, अल्लाह का जिक्र छोड़ दें, कुरान पाक पढ़ना छोड़ दें, आप दुरूद शरीफ पढ़ना छोड़ दें। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ करनी चाहिए। और जब हमारे नंबर अच्छे हों तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र करना चाहिए। और मैं तो ऐसे ही कहती हूँ, अल्लाह का शुक्र करती हूँ अगर मेरे नंबर अच्छे आते हैं। और अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ना चाहिए हमें, वरना अल्लाह ताला जो है नाराज़ हो जाते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, और ऐसी अच्छी बातों के लिए मेरी वीडियो करें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वेलकम बैक, हम स्कूल से आ चुके हैं और आते सर जो हमने नहा लिया और बाल वगैरह थोड़ी सुखा ली, क्योंकि मैं जो थी टीवी देख रही थी थोड़ी देर, तो पता नहीं चला मेरे बाल सूख गए हैं। तो अभी जो है मैंने अपना लंच बनवाया है, तो देखते हैं आज लंच में क्या है, लेट्स गो। तो अभी मैं खाने लगी हूँ अचार और साथ में पराठा, और साथ में एक और चीज़ है हमारे पास हलीम, तो अभी हम इसे खाएँगे। मैं हो चुकी हूँ रेडी क्योंकि मैं जाने लगी हूँ ट्यूशन, तो चलो चलते हैं और आप लोग करते हैं बाय। वैसे आजकल का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, ठंड ठंडा सा। हम जो है एसी चला के सोते थे, अब हम एसी भी नहीं चलाते हैं कि जो है मौसम ही ऐसा हो गया कि ठंडी बहुत ज़्यादा आ रही होती है, कि बड़ा ही हम जब स्कूल जा रहे होते हैं तो थोड़ी थोड़ी सी ठंड आ रही होती है, ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही होती हैं। और इसे तो मैं आज जब नहा कर आई थी ना तब भी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और पंखा जो था ना पंखा मैंने चलाया नहीं था कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मौसम ही ऐसा है, और जिस जिसने एसी चलाना बंद कर दिया है वो भी बताइएगा कमेंट्स में, कि हमने तो पक्का पक्का ही छोड़ दिया कि आने वाली हैं सर्दियाँ, और सर्दियों में देखते हैं क्या आने वाला है। मैं ट्यूशन से वापस आ चुकी हूँ और अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पेपरों के बारे में, कि मेरे पेपर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे। और मेरे सिर्फ दो पेपर रहते हैं, एक तो कल मेरे ड्राइंग का है, और अगला जो है जो जिस दिन आई फ्लू की वजह से छुट्टी होगी थी थर्सडे को, उसका है। और मैं तो ये कह रही हूँ कि अच्छा खासा कल आखिरी पेपर हो जाना था, लेकिन पता नहीं क्या था उन्होंने थर्सडे की छुट्टी दे दी, और खैर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, तो कि हमारी मैथ की बहुत अच्छी तैयारी होगी थी तो अच्छा ही हुआ। तो मेरे तो पेपर बहुत अच्छे जा रहे हैं, जिस जिसके पेपर हो रहे हैं कमेंट्स में भी बताइएगा, और कैसे पेपर हो रहे हैं वो भी बताइएगा। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कि इतनी देर से मैंने जो है कहीं यहाँ घूम रही, कभी वहाँ घूम रही, कभी खेल रही हूँ, कभी मोबाइल देख रही हूँ, कभी टीवी देखती हूँ,
और डिनर जो है, नाम क्या कहूँ कि डिनर ही नहीं आ रहा और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो मैं दिल कर रहा बस जो भी मुझे नज़र आ रहा है मैं खा लूँ, बट वेट करते हैं कि डिनर में क्या है। तो लेट्स गो। तो डिनर में है मेरे पास चिकन वाला पराठा और साथ में रायता, तो अभी जो ऐसे मैं खाऊंगी बहुत मज़े मज़े से कि यार मेरा पेट, मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा नींद, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो अभी करते हैं इस व्लॉग को एंड, मिलते हैं आप लोग कल की वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, बाय।